हमारी वीडियो देखने वालों को सभी को हमारे नमस्ते। देखिए इसमें हमने 37 30 और 7 फंदे लिए हैं। 7 फंदों का ये डिज़ाइन है, दो कलर का बनाएंगे। और देखिए इसमें हमने ये वाइट कलर का पहले से ऐड कर लिया है। इसमें पहली सिलाई सीधी बनाएंगे, इसी तरह फर्स्ट रो बॉर्डर बनाने के बाद आप एकदम बना सकते हैं या एक सिलाई पहले बना लें उल्टी या सीधी, उसमें जितने फंदे बनाने हो उतने बढ़ा सकते हैं। ये फर्स्ट सिलाई डिज़ाइन की इसी तरह सीधे सीधे बनाते हुए चले जाएंगे। इसी तरह कंप्लीट करना है। ये फर्स्ट रो कंप्लीट होगी इसकी, और इसे दूसरी सिलाई है ये टू रो, इसे भी उल्टा उल्टा ही बनाना है बैक साइड से, और इस तरह बना के इसे कंप्लीट करना है। ये दूसरी सिलाई इसी तरह कंप्लीट करनी है। ये टू सिलाई कंप्लीट होगी इसकी, और अब ये थ्री सिलाई है थर्ड रो तीसरी। देखिए इस फंदे को हम इसे यहाँ पर ग्रीन कलर से बनाएंगे, ये वाइट कलर से बनाएंगे, इसे भी सीधा सीधा बनाएंगे इधर से। ये तीसरी सिलाई है, इसी तरह से बनाकर कंप्लीट कर देंगे। तीसरी सिलाई कंप्लीट हुई। अब ये देखिए ये फोर रो है, चौथी सिलाई। इस सिलाई को हमें इधर की साइड से सीधे बनाना है, इसमें यही ध्यान रखना है, जिस तरह सीधी तरफ से बनाना है बनाइए, इसी तरह उल्टी साइड से बैक साइड से भी से इसी तरह बनाना है, बस इसका यही ध्यान रखना है। इसमें ये फोर रो है, इसी तरह से बना के कंप्लीट कर देंगे। देखिए चार सिलाई कंप्लीट होगी, और ये पांचवी सिलाई हम वाइट कलर से बनाएंगे, फाइव रो, इस तरह इसे सीधे सीधे बना कंप्लीट कर लेंगे। देखिए इसी तरह से पूरी को कंप्लीट करना है, और पांचवी सिलाई है। देखिए पांच सिलाई कंप्लीट हुई, और ये छठी सिलाई है सिक्स रो। इस सिलाई को छठी सिलाई को हमने उल्टा ही बनाना है, इस तरह इस तरह से छठी सिलाई को सिक्स रो को कंप्लीट करना है उल्टे उल्टे बना के। देखिए छह सिलाई कंप्लीट होगी, और ये सातवीं सिलाई है सेवन रो। इसे हमें इसकी तरह बनाना है, ग्रीन की तरह पहले। ये सातवीं सिलाई इसे भी सीधा सीधा बनाते हुए इधर से चले जाएंगे। और इसे इस तरह कंप्लीट करके दिखा देंगे। देखिए सात सिलाई कंप्लीट होगी, और एक बार में एक ही कलर का धागा चलता है, पीछे से भी इस तरह आएगा बैक साइड से। और ये हरी ये आठवीं सिलाई है इटरो, इसे हमें इसी तरह सीधे सीधे बनाना है। और ये इस तरह से पूरी रो को कंप्लीट करना है। देखिए नौवीं सिलाई है नाइन रो, सीधी तरफ से टू फंदे वाइट कलर के, वन टू, और फिर यहाँ पर देखिए वन टू, और एक ये थ्री, थ्री फंदे के नीचे से हम
होल बना के यहाँ से फंदा उठाएंगे इस तरह। फिर दो फंदे वाइट कलर के बनाएंगे, 1 2। जिस फंदे के नीचे से हमने ये होल बना के फंदा उठाया है इस फंदे को हम स्लिप कर लेंगे। फिर दो फंदे वाइट फिर से बनाएंगे, 1 2। फिर जहाँ से हमने ये होल बनाया था उसी होल में से फिर से फंदा उठा लेंगे। देखिए आराम से उठा लें। ये देखिए इस तरह। अब यहाँ पर देखिए ये हमारे 7 फंदे हो गए, 1 2। इसे नहीं गिनेंगे, 2 3 4 5 6 7। फिर से हम दो फंदे वाइट कलर के बनाएंगे, 1 2। फिर यहाँ पर इसी तरह ये दो फंदे छोड़ के तीसरे फंदे के नीचे से यहाँ से देखिए इस होल से हम जैसे पहले हमने फंदे को उठाया है उसी तरह देखिए उठ गया। फिर दो फंदे बना लेंगे, 1 2। ये फंदा स्लिप कर लिया, फिर दो फंदे फिर बना लेंगे, 1 2। फिर इसी होल में से हमने फिर से फंदा उठाना है। देखिए इसे थोड़ा ढीला ही रखे इस तरह। फिर हम दो फंदे वाइट कलर के बना लेंगे। फिर यहाँ पर ये 5 फंदों की देखिए, 1 2। ये तीसरे फंदे के नीचे से हम होल में से फिर इसी तरह फंदा उठाएंगे। फिर दो फंदे वाइट बना लेंगे, 1 2। एक फंदा बीच का स्लिप कर लेंगे जिस फंदे के नीचे से हमने होल बनाया है। फिर से दो फंदे वाइट कलर के बनाएंगे, 1 2। फिर इसी होल से हमने फिर से फंदा उठाना है। देखिए उठ गया और इसे हम इस तरह फिर दो फंदे बना लेंगे। देखिए 1 2 और ये तीसरा है उसके नीचे से। फिर दो फंदे बुन लेंगे और फिर 1 फंदा स्लिप कर लेंगे, फिर से दो फंदे बना लेंगे, 1 2। फिर इसी होल से हम ये फंदा उठा लिया। फिर दो फंदे बना लेंगे, 1 2। देखिए फिर यहाँ पर लास्ट में 1 2 3, ये तीसरा फंदा है और इसके नीचे से यहाँ से हम होल में से ये फंदा उठा लिया। फिर 2 फंदे बना लिए, 1 फंदा स्लिप कर लिया, फिर इसी हो फिर 2 फंदों को हमने वाइट बना लिया, 1 2। यहाँ से हम इसी होल में से फंदा उठाएंगे। देखिए इस तरह। और लास्ट में दो फंदे शुरू में ही बनाए थे इन्हें वाइट बना लेंगे और ये हमारी 9 सिलाई कंप्लीट होगी। देखिए इस तरह दो फंदे इधर बचे हैं और दो फंदे इधर की साइड में हैं। ये 10वीं सिलाई है, इसमें हमने ये जो फंदे हैं ना तो बना लेंगे हम। और ये जो फंदा हमने उठाया था इस फंदे को इस तरह स्लिप कर लेंगे, फिर इसे दो फंदों को बना लेंगे और ये ग्रीन कलर का फंदा भी स्लिप कर लेंगे। फिर दो फंदे बना लेंगे, 1 2। और फिर ये उठाया हुआ फंदा
स्लिप कर लेंगे इस तरह। फिर दो फंदे बना लेंगे, ये 10वीं सिलाई है। फिर इस फंदे को हम इस तरह स्लिप कर लेंगे, टू फंदे बना लेंगे उल्टे उल्टे, फिर वन फंदा स्लिप कर लेंगे हरा भी, फिर टू फंदे बना लेंगे, वन टू, फिर इस फंदे को स्लिप कर लेंगे, फिर इसे स्लिप कर लेंगे, टू फंदे बना लेंगे, वन फंदा स्लिप हरा, फिर टू फंदे बना लेंगे, इसे स्लिप कर लेंगे, इसे स्लिप करेंगे और टू फंदे बना लेंगे, वन टू, वन फंदा स्लिप, फिर टू फंदों को उल्टे बना लेंगे, वन टू, इस फंदे को स्लिप कर लेंगे, पहले से स्लिप करके फिर टू फंदे बना लेंगे, वन टू, वन फंदा स्लिप, फिर टू फंदे बना लेंगे, वन टू, वन फंदा स्लिप और टू फंदे लास्ट में उल्टे बना लेंगे। इस तरह 10 सिलाई कंप्लीट हो जाएंगे। देखिए 11वीं सिलाई है और इस 11वीं सिलाई को हम ये टू फंदे हमने बना लिए और फिर यहाँ पर देखिए इस फंदे को इस तरह सीधा करके इसे बना लेंगे, ये बना लिया, फिर ये फंदा भी बना लिया, ये ग्रीन कलर का फंदा स्लिप कर लिया, फिर वन फंदा बना लिया, फिर देखिए ये फंदा इस तरह करके भी आप इसे बना सकते हैं। देखिए इस तरह बन गया, फिर टू फंदे बना लेंगे हम, वन टू, फिर यहाँ पर देखिए इसे इस तरह पलट लें, फिर टू फंदे बना लिए वाइट कलर के, वन फंदा ग्रीन स्लिप कर लिया, फिर वन फंदा बना लिया और इस फंदे को इस तरह इसमें डाल के इस तरह से बना सकते हैं। देखिए इस तरह फिर दो फंदे बना लिए, और फिर यहाँ पर ये फंदा स्लिप कर लिया, वन फंदे को बना लिया, देखिए इस तरह उसे बना सकते हैं। ये टू फंदे हमने और ग्रीन फंदा स्लिप और ये इस तरह, देखिए इस तरह ये 11वीं सिलाई बना रहे हैं हम। सॉरी, देखिए इस तरह 11 सिलाई कंप्लीट हुई। और ये 12वीं सिलाई है, देखिए 12वीं सिलाई है, ये हमने फंदे को स्लिप कर लिया है और अब हम इसे यहाँ से उल्टा उल्टा बनाएंगे, देखिए। और जो ये फंदा है हमारा ग्रीन कलर का, इसे भी बना लेंगे, देखिए इस तरह।
देखिए इस तरह 12 सिलाई कंप्लीट होगी। और अब यहाँ पर 13वीं सिलाई बनाएंगे, इसे भी वाइट कलर से बनानी है, सॉरी इसे स्लिप कर लें और फिर से देखिए इस तरह देखिए 13 सिलाई कंप्लीट होगी। और ये 14 सिलाई है, देखिए एक एक धागा चलता है, वो पीछे से इस तरह आएंगी और ये भी इधर से उल्टी उल्टी बनानी है। इसी तरह बनाना है, देखिए 14 सिलाई कंप्लीट हो गई है और इस तरह डिज़ाइन बन के आया है शुरू में, यहाँ से देखिए यहाँ तक तो। और देखिए अब यहाँ पर ग्रीन कलर से हमने ये दो सिलाई जो उल्टी सीधी बनाई है ये इस तरह बना ली हमने, और अब हम यहाँ पर ग्रीन कलर से 15 सिलाई से शुरू करेंगे। देखिए इससे इस तरह धागे को थोड़ा ढीला रखें और इस तरह चेक करके इस तरह रखें, और इस तरह बना के आपको दिखा देंगे। और ये 14 सिलाई में यहाँ से लेके यहाँ तक डिज़ाइन बनाया हमने, देख लिया। देखिए हमने आपको यहाँ तक डिज़ाइन बना के दिखा दिया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा डिज़ाइन कैसा लगा। थैंक यू।